नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार दोस्तों आप तक पहुंच रही होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि शिक्षा मंत्री ने एक बैठक बुलाई है और शिक्षा विभाग की एक आपातकालीन बैठक जो है वो बुलाई गई है। इस बैठक में सातवें चरण शिक्षक बहाली को लेकर कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री ने ये बैठक जो है इसलिए भी बुलाई है क्योंकि 24 तारीख को जो है कुछ नया होने जा रहा है। नियमावली पर बात जो है वो बन सकती है। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम तैयार हैं इसके लिए, आप सभी धैर्य बना के रखें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री बैठे हैं, साथ में दीपक सर भी हैं और इधर देख सकते हैं आप कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं और सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि नई नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के पूरे आसार हैं। शिक्षा विभाग में हलचल हुई तेज कह सकते हैं और बजट सत्र के दिन सातवां चरण आने की पूरे उम्मीद लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में बेरोजगार युवाओं को मिलेगा हर महीने 1000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है बिहार के युवाओं के लिए कि बिहार के युवाओं को हर महीने 1000 रुपये राशि जो है वो देने की बात कही जा रही है। बिहार की राज्य सरकार बेरोजगारों के लिए कई स्कीमें चलाती है जिसमें से एक बेरोजगारी भत्ता योजना है। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं पास बेरोजगारों को सालाना 12000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत सरकार की पहल है ये, अब देख सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना है। इस योजना का लाभ तब तक मिलता है जब तक कि उनकी नौकरी नहीं लग जाती। खास बात यह है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके बेरोजगारों को भी इसका लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं युवाओं को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय 3 लाख से कम है। इसके अलावा आवेदनकर्ता की उम्र 21 से लेकर 35 के बीच की होनी चाहिए। आज की स्टोरी में हम आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत सरकार की एक बड़ी पहल यहाँ पे उभर के आई। दूसरी ओर आप देख सकते हैं दोस्तों, स्पष्ट रूप से ये बात सामने उभर के आ रही है कि नई नियमावली को इसी कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिलने के पूरे आसार जो हैं लगाए जा रहे हैं। 24 फरवरी तक जारी हो सकती है सातवें चरण की नियमावली, शिक्षा मंत्री का ऐसा कहना है। सातवां चरण बहाली की प्रक्रिया फिर से, शिक्षा मंत्री ने सातवें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों को खुश करने के लिए एक नई घोषणा की है। 24 फरवरी को नियमावली जारी कर दी जाएगी, इसे कैबिनेट से मंजूरी दे दी जाएगी। और देख सकते हैं शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का एक बड़ा बयान आया है कि 24 फरवरी को नियमावली जारी होने के पूरे आसार हैं और बिहार में शिक्षकों की भारी कमी तेज होगी, सातवें चरण में बहाली की प्रक्रिया, स्पष्ट रूप से उनका कहना है। शिक्षा मंत्री को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दोस्तों। कब शिक्षक नए शिक्षकों की बहाली कब तक हो रही है? आप सब हो रहा है, आप लोग जान रहे हैं, सब हो रहा है। कब तक उसका नियमावली आने वाली है, कैबिनेट में जाने वाली है? तो दोस्तों आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से आप सुन सकते हैं। आप सब हो रहा है, आप लोग जान रहे हैं, सब हो रहा है। कब तक उसका नियमावली आने वाली है, कैबिनेट में जाने वाली? तो ये देखिए, वो कह रहे हैं कि नियमावली आने वाली है और कैबिनेट में जाने वाली है। वहीं दूसरी ओर देखिए उन्होंने क्या कहा, दूसरी वीडियो में उन्होंने स्पष्ट कहा कि 24 फरवरी का दिन होगा और नियुक्ति की पहल होगी। ज़्यादा उम्मीद है कि फरवरी में जो कैबिनेट होगा, मैं 24 फरवरी को आ जाएगा उसके। हाँ, ये हम लोग 10-15 दिन हो गया उसको, उससे ज्यादा हो गया। हाँ भाई, नियोजन नीति जैसे कैबिनेट कैबिनेट से निकलेगा, नियोजन नीति डिक्लेयर हो जाएगा, हो गया भाई, कैबिनेट में जाएगा। हमको ज्यादा उम्मीद है कि फरवरी में जो कैबिनेट होगा, मैं 24 फरवरी को आ जाएगा उसके। हाँ, ये हम लोग 10-15 दिन हो गया उसको, उससे ज्यादा हो गया। मार्च में हाँ भाई, नियोजन नीति
जैसे कैबिनेट कैबिनेट से निकलेगा नियोजन नीति डिक्लेयर हो जाएगा। क्या कैबिनेट में जाएगा? हमको तो ज्यादा उम्मीद है कि फरवरी में जो कैबिनेट होगा 24 फरवरी को आ जाएगा। तो दोस्तों आपने स्पष्ट रूप से सुन ली पूरी बात यहाँ पे, और शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई बस अब आपको इंतज़ार नहीं करना है, जल्द से जल्द जो है बहाली पे काम जो तेज़ होगा और नियुक्ति प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।